तो पहले तो आप ये नज़ारा देखो, यहाँ मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ बेरीज, सीबकथॉर्न की बेरीज, ये देखो ये सीबकथॉर्न है, मतलब कांटा, कांटे से बचना। तो आपको समझ में आएगी कि कितना मुश्किल है इसको तोड़ना, ये देखो कितना मुश्किल है। जो लोग जाते हैं तोड़ने के लिए उनको कांटे से बचना पड़ता है। ये देखिए सर, ये वहाँ से ही प्लक होता है या नीचे से कट करते हैं? प्लकिंग होती है इसकी, प्लकिंग होती है पूरी। क्या करते हैं, ये तो छोटा बुश है, बुशेस बड़ी जो है उसको एक कोने से पकड़ा जाता है और शेक किया जाता है। ओके। और नीचे आपके वो बिछाई हुई होती हैं चादरें, वो उससे सबसे जल्दी निकलता है। मतलब बड़ी बुशेस से ही कलेक्ट किया जाता है? बड़ी बुशेस से कलेक्ट किया जाता है। अभी आपका सीजन ऑलमोस्ट ख़त्म है, तो अगर आप जैसे हम अगली बारी आएंगे, इन पीक सीजन जब आएंगे ना, तब आपको बहुत सारी बेरीज कलेक्शन मिलेगी। तो ये जो है, ये आप देखो सारा, ये सारा फॉरेस्ट एरिया से यहीं से कलेक्शन आ रहा है हमारा, काफ़ी सारा, पूरा इर्द गिर्द पूरा घूमो आप। एंड हो रहा है सीजन, जब सीजन एंड सीजन होता है तो उस टाइम पे बेरी के साइज बड़े होते हैं? सीजन जब इन द मिडल ऑफ द सीजन द बेरीज आर बिगेस्ट। ठीक है ना। अब आप इधर देखो, आप सारा कंप्लीट राउंड लोड 360 व्यू देखो, आप 360 व्यू में सारा आपको सीबकथॉर्न नजर आएगा। नाउ इन दिस देर आर टू टाइप्स, आपने नोटिस नहीं किया होगा, देर इज वन टाइप विद द फ्रूट, एक टाइप है फ्रूट वाला, और दूसरा है उस तरफ देखो उस पर फ्रूट नहीं है। जी सर, लेकिन वो पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, उसमें काफी दिखाई दे रहा है वो पीछे की तरफ जो है ना। हाँ, लेकिन अब आपको अभी, हाँ नहीं अभी इसमें भी है सर, इसमें भी फ्रूट नहीं है, फ्रूट नहीं है। अब इसमें डिस्टिंक्शन क्या है, डिस्टिंक्शन क्या है, आप गेस करने की कोशिश करो, व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें थॉर्न ज्यादा है सर। दिस इज फीमेल फ्रूटिंग प्लांट, दैट इज द मेल लीफी प्लांट। यस, पॉलिनेशन की वजह से होता है। सो एंटायर एरिया टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑल कोएग्जिस्टिंग इन द नेचुरल हैबिटेट। ये तो सर सारा वेस्टेज में जाता होगा, कलेक्ट कर ही नहीं पाते होंगे। कौन सा, कौन सा? ये वाला है जो इतनी छोटी बुशेस है, मतलब जो ये नहीं, इस पे कलेक्शन नहीं होगी, जो और बड़ा होगा उससे कलेक्शन होगी। दैट्स व्हाई आपने देखा कि इसी पे ये छोटा छोटा है। देखो कहीं कहीं तो मे बी दे हैव ट्राइड टू कलेक्ट, क्योंकि ये टूटा हुआ है ना। बट अगर आप सारा देखोगे, कंप्लीट एरिया इज सीबकथॉर्न, एंड डोंट मिस दोज लवली माउंटेन्स आउट देयर। 2004 से यहाँ पे काम हो रहा है जी। उस वक्त यहाँ बिजली भी नहीं थी, हमारा जनरेटर चलता था, और पूरी ले सिटी में आर्मी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी दे दी थी, 6 बजे से 9 बजे शाम को, दैट्स ऑल, सुबह 6 से 8, शाम को 6 से 9। और आपको हर गली में जो होटल नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे गिने चुने 10-12 होटल थे बस। हमें कई बार सर्किट हाउस में रहना पड़ता था, जगह नहीं मिलती 2004 के बाद। अब तो खैर डेवलपमेंट बहुत हो गया। 17 years ago when nobody had heard of सीबकथॉर्न, what is सीबकथॉर्न, क्या बात कर रहे हो आज तो लोग यहाँ है मटेरियल ग्रे मैटर है, क्या बोल रहे हो, क्या सीबकथॉर्न? अब सब कहते कहाँ है सीबकथॉर्न, अब कहते हैं। सो ये फर्क है कि अब पीपल आर ट्राइंग टू जंप इन टू द बैंड वैगन ऑफ ऑरेंज गोल्ड। यस, बाय ऑल मीन्स यू मस्ट डू दैट, बट there has to be a process followed so that the quality of product is good. So main part wahi hai. Ab main aapko is side le chalta hu towards the manufacturing plant. Kal main kar dunga aapke, aap aa jana mere sath, bata dena kya story hai, aaram se bolte baat kar sakte ho. To ye dekho, this is the lovely place of Leh Ladakh. Sabse badi khubi yahan ki hai ki yahan pe telephone nahi chalta hai, mobile phone nahi chalta hai. To तो आप ट्राई करिए, लेकिन इस स्पॉट पे आपका मोबाइल नहीं चलेगा, थैंक गॉड फॉर दैट। यानी कि विदाउट रेडिएशन, विदाउट रेडिएशन, प्योर एनवायरनमेंट, नो पोल्यूशन, प्रॉपर प्रोसेस, नो पेस्टिसाइड, नो फर्टिलाइजर, फ्रॉम अ सर्टिफाइड गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वेयर यू आर गेटिंग योर प्रोडक्ट फ्रॉम। ये नहीं कि कहीं पे भी कमरे में कुछ लगा के बना दिया। एक समय तो ऐसा था ना, यहाँ से ले तक का वो करते थे ना, क्या बोले, वायरलेस से जो था ना, हाँ से ले सुने वो रखते थे। एक ऐसा सुनिए, हम एक समय ऐसा था कि हम यहाँ पे सारे गांव वालों को बुलाते थे, पंचायत,
बुलाते थे, ये बोल रहे हैं आपको सही बात, 500-500 रुपए देते थे उनको लंच खाने के लिए आने के लिए कि प्लीज आइए। ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंस करते थे कि हम कोऑपरेटिव्स के साथ कुछ नया करने जा रहे हैं और आप सबका इसमें लाभ होगा। उस तरीके से हमने अवेयरनेस डेवलप करी। ऑल इंडिया रेडियो में हमने इश्तहार दिए, 500-500 रुपए दिए, सारे गांव वालों के, गांव बूढ़ों को, पंचायत सारी यहां बुलाई, इधर ही इसी स्पॉट पे हमने लंच कराया। 15-16 साल पहले की बात है। सिबकथॉन क्या है, आपने क्यों करना चाहिए, कलेक्शन क्यों करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने खुद करी हुई हैं। तो सर आप लोग तो पहले से यूज कर रहे होंगे इसको, आपको नॉलेज था सिबकथॉन का? हाँ जी, हम तो अर्जुन जी से अच्छा, हम तो अर्जुन जी से सीखे हैं। हमें पता था कि सस्ता लुलू है, लेकिन क्या करता है हमें नहीं पता था। तो ये तो झाड़ी, ये तो झाड़ी थी ना, आप तो काट के फेंक देते थे ना। सर आप थोड़ा सा बताइए स्टोरी की, आपकी शुरुआत सिबकथॉन के साथ कहाँ से हुई? मैंने मैंने आपको, आपको बताया, कैसे पता लगा सिबकथॉन के बारे? मैंने बताया ना आपको, हमारा तो लाइन ही ये है ना, आयुर्वेदा जड़ी बूटी। तो जब हम कुछ देखते हैं, कब जड़ी बूटी को देखते हैं तो हमें क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये क्या चीज़ है, इसको जाके देखो, थोड़ा क्लोजली देखो उसको, देखो क्या है, उसको टेस्ट करो, उसको प्लग करो। फिर पता चला कि गांव-गांव कुछ कुछ गांव हैं, बाय द वे इंटीरियर्स में कुछ गांव हैं जो कि इसको खाते हैं, ओके, और उनकी स्किन इज ऑलवेज पिंक, 80-90 ईयर ओल्ड पर्सन इज पिंक। एंड वॉकिंग स्टिक नहीं है, खेतों में काम हो रहा है, शाम को पार्टी हो रही है, अपने गांव स्टाइल में पंगत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और बीमारी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, टैबलेट दवाई गोली सिर दर कुछ नहीं है। तब हमने सोचा कि व्हाट इज दिस। तब जैसे इन्होंने, गंबोजी ने कहा कि हमने उनको बताया कि इसको करो जी, क्योंकि फिर रिसर्च करी, कैसे पता चला। सर आपने बाद में रिसर्च किया इसके ऊपर? मतलब इसके ऊपर फिर बाद में रिसर्च करी, फिर इसको पहले यूएसए एक्सपोर्ट किया जी। फिर आपको पता है वेस्ट में जो क्रेज होता है, फिर वो इंडियंस भी उसको अपनाते हैं, तो फिर जब वेस्ट में पॉपुलर हुआ फिर यहाँ किया, और फिर ये सारी पंचायतें बुलाई और लोगों को अवेयर किया, और अब जो आप सिबकथॉन का हु हल्ला सुन रहे हैं इसी वजह से हुआ है। हमने इस चीज़ की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई, इन्होंने याद करा दिया मुझे, मैं तो भूल ही गया था। यानी काफी, और ये भी पहले दिन से कोऑपरेटिव के साथ है। कितने साल हो गए आपको? मैं 2000। खोलो यार मास्क, खोलो, कुछ नहीं, हम लोग डाउन से आया, कुछ नहीं होगा आपको। 2000 इसको खोलो मास्क को, गंबो जी इनका फोटो लो एक अच्छा सा बढ़िया, ऐसे चलेंगे सर, देखो वेरी डिसिप्लिन। बट कब से 2000? कब से आप 2000 से? हां 2000 से। और हम लोग कब से जानते हैं आपको? 2004 से। 2004 से 21 साल से यहां पे, 21 साल से यही है। और ये मेरा भी हो रहा है 49। अब जब ये 89 होंगे तब भी ऐसे ही लगेंगे, दैट इज द बेस्ट पार्ट। 89 पे भी ऐसे ही दिखेंगे ये, क्योंकि आप जब 29 थे तब भी ऐसे ही लग रहे थे। सच बात है, हाँ 29 पे भी ऐसे ही थे। लेकिन अभी अभी इन्होंने मुझे याद दिलाया कि 2004 में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी सिबकथॉन की, तो हमने पंचायत से यहाँ पे बुलाई इसी स्पॉट पे, और उनको एक बोला कि आप आइए बड़ा खाना के लिए, हमें एक अनाउंसमेंट करनी है, कुछ बातें करनी है सिबकथॉन शस्तालूर के बारे, अवेयरनेस आपको बताना चाहते हैं कि क्या चीज़ है ये, 2004। और उनको यहाँ लाने के लिए उसके बाद हमने रेडियो में अनाउंसमेंट्स करी, रेडियो में एडवर्टिजमेंट्स दी, और अनाउंसमेंट करके हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, बड़ा खाना वॉज नॉट इनफ। तो फिर हमने बोला कि बड़ा खाना के अलावा एवरी पार्टिसिपेंट फ्रॉम एवरी विलेज विल गेट 500 रुपीज़, एम आई राइट? 500 रुपये हमने बोले थे, तब रिस्पॉन्स आया कि ठीक है, इट्स वर्थ वाइल, हम इतनी दूर से आएंगे, हमारा खर्चा होगा, हम बस में आए या क्या कहते हैं, जैसे भी अपना पेट्रोल खर्च के आए, तो वो वर्थ इट होगा कि आगे हमें उसका खर्चा मिल जाएगा, देन वी विल कम। तो आई थिंक ओवर हियर अबाउट 300 odd पीपल फ्रॉम वेरियस विलेजेस आए, हमने उनको सारी अवेयरनेस की बातें बताई। उस वक्त आई थिंक
the deputy registrar of cooperatives was also there. वो भी थे डिप्टी रजिस्टर कोऑपरेटिव्स भी थे, उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया हमारे साथ और उनके ड्राइव की वजह से और हम दोनों का इकट्ठा मिलके काम करने की वजह से ये अवेयरनेस फर्स्ट टाइम लद्दाख में 2004 में बढ़ी। फिर हमने यहाँ से बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट किया टू USA, वी एक्सपोर्टेड अनइमेजिनेबल क्वान्टिटीज़। सर वो रॉ जो कौन सा रॉ मतलब वो बिल्कुल जो आपको नज़र आ रहा है अनइमेजिनेबल क्वांटिटीज वी एक्सपोर्टेड इन दैट रॉ फॉर्म, बट हमें समझ में आए कि ये वैल्यू एडिशन नहीं है, वी नीड टू डू रिसर्च एंड डिवेलप आवर ओन कैपेबिलिटी टू मेक सम गुड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। तो हमारी जो अमेरिकन कोलेबोरेशंस थी उन्होंने हमें एडवाइस किया, हमने उन्हें एडवाइस किया और हमने जॉइंटली बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिवेलप किए। इनफैक्ट अभी भी आपको पता है कि अमेरिकन जो लीडिंग रेंज है वो हमारी डेवलप करी गई है जॉइंटली, लेकिन अब तो हमने काफ़ी सरपास कर दिया उसे, हम बहुत आगे जा चुके हैं। फॉर्चुनेटली उसकी वजह से अवार्ड्स वगैरह भी मिल गए हैं, रिकग्निशन मिल गई है। एक और बात याद आई अभी इन्होंने मुझे याद दिलाई कि बीच में कुछ इश्यूज़ हुए थे और 2 साल बिल्कुल स्टॉप हो गया था प्रोसेसिंग और ब्लॉकिंग वगैरह वगैरह, तो फिर हमने His Holiness the Dalai Lama से blessings ली कि जो हम काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, उनको सारा समझाया कैसे प्रोडक्ट्स हैं, क्या चीज़ें बनती हैं, लोकल पॉपुलेशन को क्या बेनिफिट होता है, मैनकाइंड को क्या फ़ायदा है। फिर आई एम श्योर उनको भी उनके एडवाइसेस ने जांच करके बताया होगा, फिर उन्होंने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, अब आगे जाइए। अब इसी मौके पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हमें इस लैंड ने इतना कुछ दिया है, हमने एक बायोसैश फाउंडेशन, आपको भी नहीं बताया आज तक, एक बायोसैश फाउंडेशन चैरिटेबल फाउंडेशन बनाया है, उसके लिए हम यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक फ्री स्कूल बनाएं लोगों के लिए। और इसी ट्रिप में मैं सबसे बात करूँगा, आप लोगों से भी बात करूँगा, जहाँ पर आप हमें जगह दिला सकते हैं हम वहाँ पर एक कम्प्लीटली 100% फ्री स्कूल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं जो बायोसैश फाउंडेशन रन करेगा, नॉन प्रॉफिट एंटिटी रन करेगी। सो माई मिशन दिस टाइम इज़ टू सी इफ़ यू कैन टेक दिस पार्ट ऑफ थिंग्स फॉरवर्ड। इसके साथ ही जो मुझे सपोर्ट मिला है सारे लद्दाख के लोगों से, उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनके बगैर ये कुछ नहीं हो सकता था। और आई थिंक कि अब इतनी म्यूचुअल फीलिंग्स ऑफ टुगेदरनेस, बॉन्डिंग और ट्रस्ट है कि ये जो बोलते हैं मैं ब्लाइंडली सुनता हूँ, मैं जो बोलता हूँ ये भी ब्लाइंडली सुनते हैं। 17 सालों का रिलेशनशिप है, तो वो गॉड हैज़ बीन काइंड टू अस। और उसी नोट पे मैं आपको अब उस तरफ ले जाता हूँ जहाँ पे एग्जैक्टली प्रोसेसिंग हो रही है। ये इसी वक्त हम बेरीज जो पीछे देख रहे हैं, ये सारी बेरीज देखो आप, अब अलग अलग कलर्स के हैं, सी दोज आर येलोइश, वो सारे येलोइश कलर के हैं ना ये, और ये देखिए ऊपर ऊपर थोड़े से और राइप हो गए हैं क्योंकि सनलाइट उस पर ज़्यादा आ रही है, तो और राइप हो गए, तो रेडिश हो गए हैं वो। तो ये सारा फॉरेस्ट है, ये कंप्लीट फॉरेस्ट, इसी फॉरेस्ट से हमारी हार्वेस्टिंग हो रही है, दिस इज़ प्योर अनपोल्यूटेड फॉरेस्ट। और ये माउंटेंस देखिए, इतने प्योरेस्ट ऑफ माउंटेंस। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम है रूफ ऑफ द वर्ल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। एग्जैक्टली द रूफ ऑफ द वर्ल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। और हम शुरू से रूफ ऑफ द वर्ल्ड से बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचर आपके लिए लेके आ रहे हैं। It is a cooperative society, that means even this is not a profit making entity. This is also not a profit making entity. This is also during COVID, he is a COVID warrior by the way. And as a COVID warrior, I must say that they have given their lives trying to be on the front line and making sure that winter months mein COVID ke dauran Ladakh ke logo ko sari facilities available thi. सारा एसेंशियल आइटम इनके स्टोर से ही सप्लाई होता है, और कोई स्टोर खुला हो ना हो इनका स्टोर खुला होता है, और सारे लद्दाख के कोने कोने में इनका स्टोर है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी।
इसलिए जो भी हम जो भी रेट फिक्स होता है हर साल, मैं नहीं फिक्स करता, आप ही फिक्स करते हैं ना, मैं रेट की बात नहीं करता हूँ, पूछिए इनसे, ये रेट फिक्स करते हैं और वो रेट मैं देता हूँ। इट्स नॉट द अदर वे राउंड कि मैं रेट बोलूँगा मुझे इससे ज़्यादा नहीं देना है, नहीं, ये रेट फिक्स करते हैं और वो MOU साइन हो जाता है और वो रेट में हम खरीदते हैं, बिकॉज वो सारा प्रॉफिट इज गोइंग फॉर अ गुड कॉज अगेन। सो दैट इज द फीलिंग विद विच वी हैव ट्राइड टू एस्टैब्लिश आवर सेल्व्स एंड वर्क, सो दैट इज आवर फाउंडेशन फॉर आवर एथिक्स, आवर systems, our rules, which we will not compromise. And we have been doing that from the beginning and we will carry on doing that. This is not something we have started doing now. We have done it from day one. So I always say this only, ki doesn't matter if somebody else is doing wrong, you must stay on the right path. So with this, I'll say all the best to all of us and let's go ahead. बायोसैस एसोसिएट्स के लिए तो एक सिंपल मैसेज है, दिस इज द प्योरेस्ट प्रोडक्ट यू कैन एवर गेट फ्रॉम नेचर एंड वी आर ट्राइंग टू डू इट इन सच ए वे। इसका नाम क्या है? सीबकथॉर्न का नाम मिरेकल बेरी है। मिरेकल बेरी को डाइल्यूट नहीं करते हम, इन द सेंस द मिरेकल बेरी इज प्रोसेस्ड इन अ प्रॉपर क्लीन मैनर सो दैट द मिरेकल प्रॉपर्टीज कैन कम टू यू। Those which are not fit for use are separated, which you have just seen how it is done systematically through a patent applied for process. We have done and established something which I am proud to say that we are the only people following this. Till today, we are the only people following this. Okay, like he just said, wastage can go up to 50-60%. Doesn't matter. So you get something which is good for you, fit for consumption, and for Biosas Associates, we will say one more thing, that this is your own enterprise. You must understand that you are associated with some organization which is continuously giving back to society. That's why we buy from cooperative society, which is again non-profit, at their rate. And we give back to society like that from the beginning. We may make less money, doesn't matter. So our inception, our ethos, our foundation, our way of thinking is based on this philosophy. And the message is clear. You have to associate with this for good karma. And in the end, I'll just say one thing, that karma is all that you're left with. Everything else will stay behind. No matter what you do in your life, everything else, all that you see, you will become part of the dust. But your karma is something which will follow you through all your lives. And if you can have that strong strength and belief to carry your ethics through that, through the trials and temptations of life, you are already successful. Because nothing can touch you. Nothing can touch you. So with that, I'll say all the best to everybody. हाँ, 2000 से फोर से हम लोग साथ में, हाँ जी, दोस्ती सर। 1956 में इन्होंने किया, 2000 में इन्होंने ज्वाइन किया, 2004 में हमने इनको ज्वाइन किया, इकट्ठे हो गए हम। हाँ जी, सिबक तुम इसी ने दोस्ती कराया हमें। तो इसकी वजह से आप लोगों से मिला, कल और 100 लोग और उसके बाद और लद्दाख में दोस्ती बोलते हैं। हाँ जी, है ना? हाँ जी, दोस्ती बोलते हैं। हाँ। दोस्ती लद्दाख में नाफा नहीं देखा जाता। हाँ। दोस्ती देखी जाती है। तो हमने भी किसी, इन्होंने हमसे नाफा नहीं देखा, हमने इनसे नहीं देखा। वो जो रेट सेट करते हैं वही ठीक है। प्योर ट्रस्ट, कितनी अच्छी बात है। ऐसी आपको रिलेशनशिप शायद कहीं मिलेगी। अब बोलते हैं ट्रस्ट पे तो दुनिया क्या बोलते हैं, कायम है। तो यही तो है जी। और ये तो मेरे से मांगते भी नहीं पैसा। ले जाओ जितना चाहिए आपको, जमीन मैं दे देता हूँ। आपके जितने फैन हो, विच यू कैन ईट लाइक दैट। ये देखो टुकड़ों में। हाँ, आप लो, इसमें से निकाल लो ऐसे।
अब देखो कितना कितना मुश्किल है, अब कितनी बेरीज जाती होंगी एक बोतल में, ये देखो, ये देखो। अब इसको आप इसको खा लीजिए, कितना खट्टा है, अमेजिंग डी सावो। ब्यूटीफुल नो, सो बेसिकली वी हैव स्पेंट 17 इयर्स ट्राइंग टू सेट समथिंग इन मोशन एंड वी आर वेरी क्लियर दैट द नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स और मोर वी आर गोइंग टू ट्राई एंड इम्प्रूव थिंग्स इवन मोर। We're going to make this very big, sir. And keeping in mind that the cooperative societies should benefit, self-help groups should benefit, local people should benefit from this harsh land. They should all benefit and in that 3 weeks make an income enough for a year. So that's why I don't even talk about any rate. Yeah, yeah. Whatever you say, okay. So when I am a little, finicky in the other pricing, now you understand why. I have to balance a lot of things. Zambia.